सबसे पहले तो आप लोगों से सबसे ये कहूँगा कि मफ़रत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, और आप लोगों ने बहुत वेट किया उसके लिए, माजर बात नहीं कर पा रहे थे, और अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, जैसे ही हमें वहाँ से अपडेट मिलती है हम लोग ऑफिशियली भी अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह कि वो किस वक्त पहुँच रहे हैं यहाँ पर और कहाँ पर नमाज जनाजा होनी है, कहाँ पर तकलीफ होगी, वो सारा कुछ हम लोग अभी करके आपको कराची में होगी कराची में कराची में कब्रिस्तान डिसाइड हुआ था जी। अभी बस हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें अरेंजमेंट, जैसे ही फाइनल होती हैं चीज़ें तो इनिशियली हम सब लोग इसी जी बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट भी की थी सिंध गवर्नमेंट से, जो ख्वाहिश थी कि हज़रत तेरा शाह गाजी बाबा के मज़ार उनका खाते में किया जाए, उनको की ख्वाहिश थी और वो हमने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो वहाँ पर ही करेंगे। अच्छा, अभी आपके पास ताज़ियती के लिए फ़ोन्स आ रहे होंगे, इंडिया से भी किसी शख्सियात के आए, पाकिस्तान से भी शख्सियात के हुक्मरानों के आए, कुछ उनका कुछ बताएंगे जिक्र जी? आ रहे हैं बहुत सारी कॉल्स, सभी बहुत अफसोस रहे हैं, सब लोग ही रो रहे हैं, सब लोग ही बहुत प्यार और खुश अच्छे से सब करते हैं, और ये ऐसा मौका है कि इसमें तो जिसकी भी कॉल आ रही है हम लोग तो अभी शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि वो अपने लिए दुआ कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं इस मुश्किल टाइम में, जितने भी लोग आप लोग हैं सब लोग आप हमारे साथ खड़े हैं और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें वो दुआओं में याद रखें, उनके लिए दुआ करें, आयते करीमा का वर्द करें, जितना उनको पढ़ के बख्श सकते हैं वो चीज़ उन तक पहुँचेगी, वो चीज़ आप करें, जो भी उनके फैंस हैं जितने भी लोग हैं बड़े मशहूर हैं, अल्लाह ताला आपको सबर दे। वसीम भाई क्या कहेंगे आपका?